कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर, ये बेसिकली जो वर्कशीट है आपकी, ये असेसमेंट वर्कशीट है, ठीक है बच्चों। तो ये वर्कशीट नंबर जो है आपकी एक है, कौन सी, इंग्लिश की, क्लास सिक्स की, और डेट है आपकी 19 अगस्त। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। तो ये देखिए असेसमेंट वर्कशीट फर्स्ट, जनरल इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दी गई, दिस इज़ असिस्टेंट असेसमेंट वर्कशीट। जैसे आपके ऐसे होते हैं, इसे कहते हैं सेमेस्टर असेसमेंट, ठीक है। तो वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक, जो पिछले वीक में आपने जितनी भी वर्कशीट पढ़ी थी उसके बेस पे ही आपको असेसमेंट वर्कशीट दी गई है। इट कंटेन्स 10 मल्टीपल क्वेश्चंस, इसमें 10 MCQ क्वेश्चन हैं, ठीक है, कैरिंग 1 मार्क्स ईच, जो कि 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, तो कितने हो गए टोटल 10 मार्क्स के। थर्ड है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट विद द पेन और पेंसिल। पेन और पेंसिल से ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये जो सर्कल है इसको अंदर से बिल्कुल फिल आउट करना है पेन या पेंसिल से, इस तरीके से, ठीक है बच्चों, इस तरीके से फिल करना है। तो मैं जो है ओनली इस तरीके से टिक लगाऊंगी और आपको फिल करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ईयर हैज़ 12, एक साल में कितने मंथ होते हैं बच्चों, 12। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मंथ। अ ईयर हैज़ 12 मंथ। अब आगे चलते हैं, विच मंथ्स कम आफ्टर मार्च, मार्च के बाद क्या आता है, आप काउंट करके भी देख सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या आता है बच्चों, अप्रैल। नेक्स्ट है देयर आर डैश डेज इन जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। डैश इज़ नॉट अ पैट एनिमल, कौन सा पैट एनिमल नहीं है, काउ पैट एनिमल है, डॉग पैट एनिमल है, टाइगर पैट एनिमल नहीं है, तो यहाँ पर टिक करोगे आप, गॉट पैट एनिमल है, ठीक है बच्चों। अब आगे है, अ फिश कैन नॉट लाइव विदाउट, एक जो मछली होती है वो बिना किसके नहीं रह सकती, मतलब किस चीज़ के बिना नहीं रह सकती, तो वो है बच्चों आपका पानी। इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है बच्चों, 15 अगस्त को, जो कि अभी हमने मनाया है। द रेड फोर्ट इज़ इन, रेड फोर्ट कहाँ है बच्चों, दिल्ली में। द ताजमहल इज़ इन, ताजमहल कहाँ है बच्चों, आगरा में, ठीक है। बाकी चलते हैं, देयर आर डैश कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा, टोटल जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में वो 26 होते हैं, और 26 में से 5 क्या होते हैं, वॉवल होते हैं, और 26 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे बच्चा 21, 21 क्या होते हैं अपने, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं आपका, ए ई आई ओ यू आर नोन एज, ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वॉवल्स होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट, इसमें आशा है कि आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।